भाई आज का संदर्भ है, रूसो का मानना था कि चिंतनशील व्यक्ति नैतिकता से वंचित जानवर के समान हो जाता है। वह अपने मूल स्वभाव एवं अनुभूति के अनुसार कर्म नहीं करता है। ठीक है, बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि अधिक तार्किकता मनुष्य को बंधन की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये विषय है। और फिर उसके बाद पक्ष आते हैं और पक्ष जो है बताते हैं कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है, जो कि वो मांग भी करता है विषय। ठीक है, तो मनुष्य का मूल स्वभाव जो है वो भावनात्मक है, तार्किकता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, तार्किकता की ये बात करते हैं कि हर कृत्य के पीछे जो है कृत्य कोई भी काम करते हैं तो हम उसके पीछे अगर हम कारण खोजते हैं तो तार्किकता, लेकिन अधिक तार्किकता यह है कि हम अगर कोई छोटा बड़ा काम भी कर रहे हो तो वो अधिक तार्किकता की श्रेणी में आता है। ठीक है, हर फैसले को लागू करने से पहले, उठने बैठने से पहले हम अगर कुछ कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम जो है वो अधिक तार्किकता के स्वरूप में आ गया। और मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वतंत्रता वाला है, स्वच्छंदता वाला है, और मनुष्य का जो मन करता है वो जाता है। और बंधन क्या है, ये मूल स्वभाव के विपरीत जो काम कर रहा है, इसका मतलब स्वतंत्रता स्वच्छंदता के विपरीत जो काम कर रहा था, तार्किकता लगा रहा है, वह जो है उसका बंधन है। ठीक है, और जन्म से व्यक्ति जो है तार्किक नहीं है, ये आपने कहा। ठीक है, तो मूल स्वभाव क्या है, भावनाओं से बना हुआ, उसके जो फ्री विल है उसके साथ वो सारी चीजों को डिराइव करता है, जैसा चाहता है वैसा चाहता है वो करता है। और तार्किकता जो है विल को दबा देती है, मतलब जो मनुष्य की विल है उसकी इच्छा को जो है वो दबा देती है, इमोशन से एक्सप्रेस नहीं होने देती। अगर कोई इमोशनल कंडीशन है तो उसमें इमोशन को वो सामने नहीं आने देता, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने लग जाता है और फिर जो है इमोशन बाहर नहीं आ पाते हैं और इसी वजह से मनुष्य जो है बंधन में आ जाता है। ठीक है, और मनुष्य जो है समाज में रहता है और समाज में बहुत सारे संबंध हैं जो कि भावनात्मकता पर आधारित हैं और भौतिक सुखों को अतार्किक मानने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि भाई इसको खा लेने से फिर अभी ये व्यर्थ हो गया तो मैं इसको खाऊंगा ही क्यों। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये अगर मैंने इसको लिया फिर इसको लिख दिया तो ये खराब हो गया, तो ये वस्तु खराब हो गया फिर मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि ये खराब हो जाएगी, तो ये क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने लगा, तो भावनात्मकता अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा, ये आपने कहा, और वो अधिक तार्किकतावाद की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, फिर संशयवाद, संशयवाद एक की मतलब हर एक प्रश्न पर, हर एक स्थिति में बैठे बैठे मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ इस पर भी सोचने लग गए, मैं बैठ के आराम ही क्यों कर रहा हूँ, भले से शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है संशयवाद हमेशा रहेगा तो और स्वच्छंद नहीं हो पाएगा मनुष्य, और तार्किकता से जो है सोशल इंस्टीट्यूशन और फैमिली का बंधन, फिर जो बोझ आता है, फिर सोशल इंस्टीट्यूशन, इन सबको क्रिएट किया। तो पक्ष का नेता पक्ष ने ये वक्तव्य दिया। ठीक है, नेता विपक्ष आते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि जो पक्ष ने कहा है उन सभी का खंडन करेंगे। जैसे तो आपने शुरू किया कि हम भाई बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी जो है तार्किक व्यक्ति है और जो है व्यक्ति जो है डीप एनालिसिस करता है और फिर उसके बाद वो चीज़ों को आगे बढ़ता है। नैतिकता क्या है, नैतिकता हम जो है समाज से ग्रहण करते हैं, मतलब खुद के पास नहीं होती है, हम समाज से ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे दया, संस्कार, करुणा, इन सब के बारे में आपने कहा। ठीक है, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूढ़िवादियों को मानते रहेंगे, तो रूढ़िवादी चीज़ों को हम फॉलो करते रहेंगे, फिर समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी, फिर हमें उसी स्टेट पर हमें तार्किकता की आवश्यकता होती है ताकि हम रूढ़िवादियों को फॉलो ना करें। ठीक है, फिर जानवर और मनुष्य में अंतर यही है कि जानवर को हम जो सिखा देते हैं वो वही करता है और मनुष्य जो है तार्किक होता है तो वो अपने विवेक से भी, अपने तर्क से भी करता है। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि भाई जानवर, कितने जानवरों को आप सिखाते हैं मनुष्य, है ना, जानवर का एक अपना स्वभाव है। संदर्भ को देखिए, वो ये कह रहा है कि अगर नैतिकता से वंचित जानवर के समान हो जाएंगे, चिंतनशील व्यक्ति अगर होगा तो। ठीक है, मतलब वो जानवर होगा बस उसमें नैतिकता नहीं होगी, समझ रहे हैं, जो चिंतनशील व्यक्ति होगा। ठीक है, और अपने भाव प्रकट नहीं कर सकता है जानवर, जबकि मनुष्य जो है ऐसा कर सकता है। अब भावनाओं को आवेश में, भावनाओं में आवेश होता है जिसकी वजह से तार्किकता की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि भावनाओं में आवेश में आकर हम गलत फैसले कर लेते हैं, इसलिए जो है हमें तार्किकता की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें, आप अभी तार्किकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, जबकि विषय में अधिक तार्किकता। ठीक है, फिर चिंतन करेगा, और अधिक तार्किकता क्या है, बहुआयामी चिंतन, मतलब अधिक तार्किकता क्या है, आपने बोला भाई बहुआयामी चिंतन करेंगे और जिसमें जो है रूढ़िवादिता से हम मुक्ति की तरफ जाएंगे। तार्किकता क्या है, स्वार्थ से हटकर सोचना, ये आप कह रहे हैं। ठीक है,
फिर जैसे मेरा समाज मेरा विश्व, तो मैंने वहां लिखा है कि क्यों आप स्वार्थ से हटकर क्यों सोचेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि मेरा समाज मेरा विश्व, आपके अंदर ये भाव कैसे आएगा, ये आपको वहां बताना था। फिर आत्म विचारों को शामिल करेंगे, फिर विल एंड इमोशन समाज में अपराधों को जन्म देता है। जो विल है इमोशन है, जैसे ये कह रहे हैं, तो इससे जो है समाज में अपराध आते हैं। ठीक है, समाज अपराधों मुक्ति देनी है तो हमें तार्किकता की ओर जाना होगा, और अपराधी जो है वो इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तार्किकता को प्राथमिकता नहीं देते इसलिए अपराध करते हैं। ठीक है, अत्यधिक तार्किकता से ही हम समाज को अपराध मुक्त कर सकते हैं, और हर एक चीज को डीप एनालिसिस करेंगे और ये सारी बात करेंगे। ठीक है, तो ये उपनेता नेता विपक्ष की बात थी। ठीक है, फिर उपनेता पक्ष आते हैं, वो कहते हैं कि हम अधिक तार्किकता की बात कर रहे हैं। नेता पक्ष आकर बात कर रहे हैं तार्किकता लगाइए, अपराध से मुक्त हो जाइए, इसके तो ये तो जनरल बात है कि तार्किकता आप कुछ सामान्य चीजों में लगाएंगे, लेकिन अधिक तार्किकता नहीं लगानी। अधिक तार्किकता की हम बात कर रहे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि हर एक कार्य, छोटे बड़े कार्य पे एक जो बेसिक रीजन है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर बंधन की ओर हम उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, फिर वो बोलते हैं हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो कि नेचुरल स्टेट है, मनुष्य तार्किक नहीं है मूल रूप से। हम अधिक तार्किकता की बात कर रहे हैं, तार्किकता से समस्या हमें नहीं है, हमें जो है तार्किकता से समस्या नहीं है, जो कि नेता पक्ष कह रहे हैं कि भाई तार्किक होकर काम करेंगे, अपराध से मुक्त होंगे और इन सबसे बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें तार्किकता समस्या नहीं है, हमें जो है अधिक तार्किकता समस्या है, क्योंकि फ्रेगमेंट हो जाएगा, फिर विखंडन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तार्किकता हर एक मनुष्य में अलग अलग हो सकती है, कोई समस्या नहीं है, और मनुष्य और जानवर में जो भेद है उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर कहते हैं कि मनुष्य जो है इमोशनल भावनाओं को व्यक्त करने की बात करता है, और संशयवाद को फिर ये और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे है, और फिर ये कहते हैं कि तार्किकता आती ही कैसे है, वो संशयवाद से आती है, और फिर संशयवाद की तरफ जो है हमें एक और बंधन की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो फंसा रहता है वही बात कि मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, ये हर बात पर प्रश्न करना। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि हमें हर एक चीज का रीजन नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए। तो जैसे मुझे हर एक चीज का रीजन नहीं मिलेगा तो हम निराश भी तो होंगे ना, फिर हमें जो है वो एक और बंधन में ले जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते थे। ठीक है, फिर तार्किकता कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है, स्वार्थ की ओर ही लेकर जाएगा, क्योंकि तार्किकता जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, और फिर जब अधिक तार्किकता की बात करेंगे तो और ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरफ जाएगा। फिर उपनेता आते हैं, उन्होंने कहा यदि हम रीजन नहीं ढूंढेंगे तो कार्य को गलत होने की संभावना अधिक है भाई। ठीक है, तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर हम तार्किक रूप से काम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अधिक से अधिक तार्किकता करेंगे तो अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, फिर अधिक से अधिक ज्ञान करेंगे। ठीक है, और फिर ज्ञान से जो है हम संशयवाद जो बंधन है उससे हम छूट जाएंगे। ठीक है, अधिक तार्किकता अधिक अध्ययन, फिर वही मतलब आपने दो बार उसको रिपीट किया है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट साइड में कैसे ही देख सकते हैं कि वो चीज ठीक है गलत है, अगर वो तो गलत भी हो सकती है ना, ये बोले तो इसका मतलब वो सही भी हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ना, अगर वो गलत होने की संभावना जितनी उसकी है, सही होने की संभावना भी उतनी ही है। ठीक है, एक ही बात। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि तार्किकता नहीं करेंगे तो जो है मूल स्वभाव को हम पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि मनुष्य का मूल स्वभाव कुछ और है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम तार्किकता नहीं करेंगे तो हम मूल स्वभाव को नहीं पहचान पाएंगे, इसका मतलब मूल स्वभाव कुछ और है, इसके लिए हमें रीजन का उपयोग करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर वो आंखों के धोखे वाली बात कही थी आपने। फिर ठीक है, और वर्ल्ड को अलग अलग आयाम की तरफ ले जाती है तार्किकता, हमें मेटाफिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड की तरफ जो है उसके अलग अलग आयाम अलग अलग डायमेंशन को खोलने की बात करती है, और अगर हम हर एक आयाम के बारे में नहीं सोच पा रहे तो वही बंधन है, और हर एक आयाम के बारे में अगर हमें सोचना है तो हमें जो तार्किकता की बात करते हैं। ठीक है, ये तो स्पीच की बात थी। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे दो चीज़ें आपसे प्रश्न किया जा रहा है, भाई तार्किकता मूल का स्वभाव, मनुष्य का मूल स्वभाव है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप तार्किकता को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहना चाहिए हाँ मनुष्य का मूल स्वभाव, आप कह रहे हैं है भी नहीं भी, पहली गलती। ठीक है, जो कि स्पीच में भी आपके दिखाई देती है। लेकिन दूसरा, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर हम बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो तार्किक है। ठीक है, फिर वो मरने के बाद व्यक्ति जो ये जानता है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो मनुष्य वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रो रहे हैं, तो क्या वो इमोशनली इमोशन अपना व्यक्त कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा अगर वो रो रहा है व्यक्ति, है ना, इमोशन अपना व्यक्त कर रहा है, तो क्या वो तार्किक है। जो कि देखिए देखिए, तार्किक व्यक्ति तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा ना कि मेरे इस कृत्य को करने से मुझे कोई वो व्यक्ति आएगा नहीं, मतलब मैं अगर रोऊंगा दहाड़े मार मार के रोऊंगा तो भी वो व्यक्ति आएगा नहीं। इसका मतलब एक जैसे बच्चा रो रहा है,
ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन एक्सटेंड करना चाहिए था कि रोने से क्या फायदा, रोने से क्रिया करते ही क्यों है। कोई गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा, बच्चा रो रहा है, माँ जाएगी, ठीक है, तो बच्चे का रोना सक्सेसफुल हुआ, करेक्ट, एक क्रिया हुई। मनुष्य रो रहा है, मर गया है, उसको पता है, तो वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मनुष्य में भावना है कि वो रो रहा है, तो हो सकता है भगवान पिघल जाए तो उसको जिंदा कर दे, समझ में आ रहा है। तो क्या ऐसा होगा, भावनात्मक व्यक्ति ऐसा सोचेगा, तो आपका वो प्रश्न फिर उसके बाद आता, ये बताइए कि जो रो रहा है वो ये जानता है कि वो वापस नहीं आएगा, फिर भी वो रो रहा है, तो क्या वो तार्किक है, समझ में आ रहा है। तो लगभग सेम वही जवाब था, लेकिन इधर से जवाब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है ज्यादा समय तक दुख में रहेगा, लेकिन तार्किक भी है, थोड़ी देर के लिए भावनात्मक हो गया फिर तार्किक हो गया, ऐसा जवाब नहीं, मतलब एक ही स्टैंड लेना है, या तो मनुष्य के अंदर भावनाएं हैं या तार्किकता है, दो में से एक, ठीक है। और ये भी फिर ये कह रहे हैं कि हम अधिक तार्किकता वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, तार्किकता से इनको समस्या ही नहीं है, समझ रहे, जैसे इसका आंसर दे सकते थे कि मनुष्य तार्किक है, तो ठीक है ना, मनुष्य को रोने से फायदा होता है, कैसे फायदा होता है, मनुष्य हल्का होता है, मनुष्य के जो टेंशन होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेशर बना के रखते हैं, जब रोता है तो रिलीज हो जाते हैं, तो टेंशन फ्री, हल्का महसूस करता है, तो रोने से फायदा है, वो मनुष्य को वापस बुलाने के लिए नहीं कर रहा, तो उसने अपनी तार्किकता का यूज किया कि रोऊंगा तो मेरे को जो है कुछ बेनिफिट मिलेगा, मानसिक शांति मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा फिर जैसे मूल स्वभाव कृत्रिम है, फैमिली, हाँ फैमिली वाला आंसर जो है इधर से दे सकते थे, जैसे ये कह रहे हैं कि बताइए फैमिली एक बंधन है कि नहीं है, आपको सिंपल सा बोलना था कि फैमिली तार्किकता का ये प्रोडक्ट है, फिर फैमिली अगर तार्किकता का प्रोडक्ट है तो अधिक तार्किकता बंधन में आ गए आप, तो अधिक तार्किकता यूज करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या बोलना था, सिंपल सी, अधिक तार्किकता यूज करके हमने तमाम तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशन बना दिए फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, है ना भाई, फैमिली सिक्योर है, पुलिस है, स्टेट है, मिलिट्री है, क्यों बनाया है, क्योंकि हम अधिक तार्किकता यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे सुरक्षा की जा सकती है, और अधिक तार्किकता हमने यूज की तो हम बंधन में आ गए, तो ये आंसर देना था, लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं फैमिली के अंदर हम सिक्योर, मतलब मनुष्य सिक्योर फील कर रहा है वो कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर ऐसे दे सकते थे जैसे बोले कि फैमिली बंधन है, बोला हाँ जी बंधन है, तो कैसे, क्योंकि तार्किकता से ही फैमिली प्रोडक्ट हुई है, समझ में आ रहा, फिर अधिक तार्किकता कैसे, तो अधिक उस फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हमने अधिक तार्किकता लगाई, तो हमने कह दिया नहीं नहीं पहली फैमिली बनी तो हमने बाड़े लगा दिए, फैमिली हमारी बची रहेगी, ठीक है, फिर हमने ग्रुप्स बना लिए, फिर हमने स्टेट बना लिया, तो अधिक तार्किकता से, और जब स्टेट बना लिए तो स्टेट को फंक्शन करना, तो बंधन आ गया कि उसको फंक्शन करना है, फंडिंग करनी है, तो लगातार आप उसमें लगे रहिए, तो क्या हो गया कि मनुष्य जो है खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। एक बार फिर विज्ञान और आध्यात्म वाला प्रश्न आया कि आविष्कार कैसे होता है, तार्किकता से होता है नहीं होता, तो वो विज्ञान आविष्कार तो बोलेंगे भाई तार्किकता से, इन्हें तार्किकता से कोई समस्या ही नहीं है, इन्हें समस्या अधिक तार्किकता से, ठीक है। इस बात को जो है विपक्ष जो है समझने में असफल रहा, और इसलिए इस सदन में जो पक्ष द्वारा प्रस्तावित विषय था वो पारित होता है, ठीक है। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि भाई क्लास का एक सिस्टम डेकोरम बना हुआ है, उस डेकोरम को मेंटेन करना, तो टीचर आएगा तो मेरा मन कर रहा है कि नहीं मैं बाहर चला जाता हूँ, ठीक है, नोट बाहर चला जाऊँगा, फिर किसी का मन कर रहा है नहीं नहीं मैं क्लास में बैठ के लेक्चर हो रहा है लेकिन फिर भी मैं मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो उसको लग रहा है नहीं तार्किक, अभी मैच चल रहा है, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, उसने कहीं पैसे लगा रखे हैं, एग्जाम्पल नहीं दिया लेकिन मैं बता रहा हूँ क्लास के डेकोरम की वजह से, मैं अभी चेक करूंगा तो अभी ज़्यादा मुझे मुनाफा हो सकता है, ठीक है, क्लास में बैठे हुए आप डेकोरम आपने तोड़ दिया, समझ में आ रहा है, तो एक बंधन में आप बंधे हुए हैं, एक क्लास का एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो उसकी वजह से हाँ, फिर जीवन का रस खत्म हो जाएगा फर्स्ट एंगल देखने से, तो ठीक है ना, फर्स्ट एंगल यूज करेंगे, मैंने इसको देखा, मैं इस पर बैठ के यूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी बोलूँगा ये आया कहाँ से, पहले इसको खोजू, तब तो मैं इसका यूज नहीं करूँ, जो कि ये कह रहे थे कि भौतिक चीज़ों का हम आनंद नहीं ले पाएंगे, समझ में आ रहा, और आप ये कह रहे थे कि अधिक तार्किकता का इस्तेमाल करने से हम भौतिक चीज़ों का आनंद ले पाएंगे, तो आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे, मैंने दो जगह लिखा है, एक जगह लिखा है क्यों, एक जगह लिखा है कैसे, जैसे कि विल एंड इमोशन समाज में अपराधों को जन्म देता है, तो मैंने लिखा है कि कैसे, तो आप कह रहे हैं कि गलत फैसले ले लेता है, आपको एग्जाम्पल पुट करना पड़ेगा, कैसे इमोशनली व्यक्ति होने के बाद अपराध की तरफ लेके जाता है और अपराध को कर देता है, ठीक है, तो मैंने लिखा कैसे, वो नहीं आया था, दूसरा
कि मनुष्य तार्किकता से, स्वार्थ से हटकर सोच पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ तार्किकता से कैसे और क्यों हटकर सोचेगा वो, ठीक है? तो सब चीजों का आंसर देना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें आपके लिए स्कोप यही था जब ये कह रहे हैं कि अत्यधिक तार्किकता से मनुष्य जो है क्या हो जाएगा, बंधन की तरफ जाएगा, ठीक है? आपको अपनी डेफिनेशन लेकर आनी थी अत्यधिक तार्किकता के। पूरे डिबेट में ऐसा लग रहा है जो इन्होंने अधिक तार्किकता की बात की है, मतलब हर कार्य के पीछे रीजन ढूंढना है। अब बोले हाँ वो ठीक है, ढूंढेंगे हम हर कार्य के पीछे रीजन ढूंढेंगे, मतलब इनकी डेफिनेशन को लेकर ही आप कैरी कर रहे हैं। सुनना रहा, ये नहीं करना था। आपको अपनी अधिक तार्किकता की डेफिनेशन देनी है, तार्किकता की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आप इनको काउंटर कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने अगर कह दिया तार्किकता, कार्य के पीछे रीजन ढूंढना, अत्यधिक तार्किकता, हर एक कार्य क्रिया कृत्य के बारे में रीजन ढूंढना, वो अत्यधिक तार्किकता जिसके हम खिलाफ हैं। तो अगर आप इनकी डेफिनेशन लेकर चलेंगे तो फिर तो इनके वाले सारे पैराडाइम को आपको धीरे धीरे ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ जाएगा कि भाई हम बैठ रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो बात आप भी कर रहे हैं, आपको ये सब बातें नहीं करनी। मतलब सीधा काउंटर करना है कि हम ये जो इन्होंने अधिक तार्किकता की डेफिनेशन दी है कि हर एक कार्य के पीछे अपने चीजों को ढूंढना, वो अत्यधिक तार्किकता या अधिक तार्किकता नहीं होती है, ठीक है? तो उससे जो है कि बंधन में नहीं पड़ेगा व्यक्ति। फिर आप उसको एक आध्यात्म वाला स्कोप में ले जाते हैं। जैसे इनके वाले पॉइंट को अगर आप लेते हैं कि अधिक तार्किकता वाली बात, तो वो ये सोचता है तार्किकता, तो पहले आपको बताना पड़ेगा तार्किकता से बंधन आता है। लेकिन तो पहले आप कह रहे हैं कि तार्किकता जो है बंधन में नहीं मिलाती, ठीक है? फिर अत्यधिक तार्किकता और बंधन को खत्म कर देती है। तो पहली बात दो चीजें होगी, एक तो या तार्किकता बंधन में लाती है, अधिक तार्किकता उसको खत्म करती है, ठीक है? आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं तार्किकता से भी बंधन से मुक्त होते हैं, अधिक तार्किकता से भी बंधन से मुक्त होते हैं, तो दो चीजें हैं, तो नहीं हो पाएगी, ठीक है? या तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा तार्किकता से फैमिली बनी, फैमिली में मैं फंस गया, ठीक है? फिर मैंने अधिक तार्किकता अप्लाई की कि मैं यहाँ क्यों फंस गया, तब मैं उससे मुक्त हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैं बाहर जाके देख रहा हूँ, तब क्योंकि अधिक तार्किकता मैं यूज करूंगा, तो मैं जैसे ये कह रहे हैं ना कि डेली बेसिस पे अपने हर एक कृत्य को एनालिसिस करना, उसी पॉइंट को आप फिर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डेली बेसिस पे और हर कृत्य को एनालिसिस करूंगा, तो मैं सोचूंगा कि समस्या कहाँ से आ रही है, फिर मैं उस समस्या के जड़ तक जाऊंगा कि मैं इस फैमिली में कैसे फंस गया, वो अधिक तार्किकता होती है। समस्या में फंसने और उससे निकलने के लिए जो उपाय करते हैं वो अधिक तार्किकता। तो इनका सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अधिक तार्किकता से हम बंधन में आ रहे हैं, क्योंकि फैमिली को सिक्योर करना है, फैमिली में सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं, तो हम उसी को समृद्ध करने की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? अंततः मैं आप सभी का धन्यवाद करना।